बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदी व आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लम व सल्ले अलैहि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनाम रमज़ान रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात के साथ आपके मेज़बान वकास अली हाजिर खिदमत है। मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ इल्मी और रूहानी शख्सियत, मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, आलमी शोहरत याफ्ता हजरत साहिबजादा पीर सैयद मुहम्मद अली रज़ा सैफी साहब से फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब, आज हम बात करेंगे तसव्वुफ पे। बिला तमहीद हम बात शुरू करते हैं बिला ताखीर के, जो इसका इनकार करते हैं वो क्यों करते हैं और जो इसका प्रचार करते हैं वो क्यों करते हैं। बिस्मिल्लाह, दो तबके पाए जाते हैं यहाँ पे, या तो इनकारी हैं तो या तो उसका प्रचार करने वाले। सलातो वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबीका या हबीबल्लाह। यकीनन ये बहुत ही मानाखेज़ बात भी है, बहुत अच्छा सवाल भी है और इसकी वजाहत खासकर आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है पूरे खास उनके दिनों में यकीन ये सवाल पैदा होते हैं जो सवाल आपने उठाया कि जो लोग इसके फॉलोअर्स हैं, और यकीनन वो एक छोटा सा कोई तबका तो नहीं है, ये तो तसलसल के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात से और आज तक ये तसव्वुफ जो कि तज़किया बातिन का एक निज़ाम है उसको मानने वाले, उस पर चलने वाले, ये बहुत बड़ी एक बात है। तो यकीनन हर सदाकत और सच्चाई के इनकार करने वाले लोग हमेशा रहे, ये कोई नई बात नहीं है। तो तसव्वुफ के और तज़किया नफ्स के जो जन का जो निज़ाम है इसके भी इनकार करने वाले लोग पाए जाते हैं। तो मैं सवाल की बुनियाद किस चीज़ को बनाते हैं, मैं इसमें गुजारिश करूँ कि सबसे पहले बात तो हम थोड़ी सी एक्सप्लेन करते हैं और ये भी बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी बैकग्राउंड में जाए बगैर कि तसव्वुफ का असल मकसद क्या है। देखें, दीन इस्लाम कुरान हदीस की तालीमात वो सब बंदे पर ये जोर देती हैं कि बंदा बामल बने, ठीक है, बंदा बाकिरदार बने, बंदा अपनी इसलाह करे, सीरत व किरदार को सवारे, शख्सियत को निखारे, अमल और अमल के रास्ते पर चल कर वो अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मारफत और कुर्ब विसाल, उस मकसद को हासिल कर पाए। तसव्वुफ का जो निज़ाम है वो बिल्कुल कुरान और हदीस से माखूज़ बंदे को हेल्प करता है, उसको सपोर्ट करता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको इनक्रेज करता है और उसको ऐसी स्पिरिचुअल पावर देता है कि वो पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे इखलास के साथ और एक डिवोशन के साथ और एक सच्चे जज्बे के साथ अमल और अकात के रास्ते पर वो कामजान हो सके। तो ये वो दावत है बुनियादी तसव्वुफ की, उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जा सकता है। और जो लोग इसके जो इनकारी हैं, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ अगर तो वो दीनी तालीमात को लेते हैं और वो कहते हैं बस ठीक है जी, ये तालीमात मौजूद हैं और बस इसके ज़ाहिर को अमल करना है और इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है, और उनका ख्याल ये है कि शायद ये कुरान हदीस से माखूज़ नहीं है। हालांकि हम ये समझते हैं और पूरी यकीन से और कॉन्फिडेंस से ये बात करते हैं कि तसव्वुफ सलासल तसव्वुफ वो जितने सलासल हैं वो सैकड़ों में हैं। हुज़ूर दाता गंजबख्श अली हजरी अलैहिर्रहमान ने कशफुल महजूब में तो एक मुतअद्दद सलासल की फहरिस्त दी है, और ये बहुत इतनी पुरानी बात 900 सालों से ज़्यादा अर्सा बीत चुका है। और आज जो इस सब कॉन्टिनेंट में बतौर खास जो मशहूर सलासल हैं और तरीकालिया, नक्शबंदिया, कादरिया, चिश्तिया, ज़बरदिया, सूफियाए कराम के इन सारे सलासल का जो थीम है, जो उनका एक सेंट्रल पॉइंट है, जो उनका मकसद और मुद्दा है, वो यही है कि वो इस्लाह अहवाल के जरिए से लोगों के अंदर ऐसा इखलास पैदा कर लें ताकि वो अमल के रास्ते पर कामयाब हो सके। और इसको बुनियाद बनाते हैं कुरान पाक से बेशुमार दलाइल लिए जा सकते हैं। बार क्या हजूर सरवर कौन मकाम आका रहमत नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का सबसे बड़ा इनाम, अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सबसे बड़े मुहिब, सबसे बड़े महबूब जिनके लिए बज़्म कौनैन को सजाया गया, आका की तशरीफ आवरी होती है। और बहुत खूबसूरत किसी ने कहा कि हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, सरकार तशरीफ लाए तो अंधेरों ने, जुल्मतों ने और दलालतों ने अपनी बसात लपेट, कायनात बुकाए नूर बन गई, रोशनी आम हुई, हिदायत का नूर आम हुआ, कल्ब रूह मुनव्वर हो गए। वो जो मकासिद दे नबूवत सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं चार जिनको लेके आप तशरीफ लाए, चार गाना मकासद नबूवत, उसमें एक बिल्कुल बड़ा वाज़े एक मकसद है वायुज़क्की ही, वायुज़क्की ही
उन चार मकासद में से एक मकसद को बयान किया गया, क्योंकि हम पेशन हमारे अखलाक हैं सारे गुफ्तगु में, तो इसी एक रिजर्व की हिम कि ये अल्लाह का महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह फैज से इन बंदगाने खुदा पर निगाह करम करके उनका तज़किया करता है, उनकी तकहीर करता है, उनके बातन को रोशन करता है, उनको कल्बी सफाई और सफाई देता है, उनको प्योरीफिकेशन का सामान फराहम करता है अपनी निगाह फैज से, जहाँ इल्म व हिकमत को आम करना है, किताब की तालीम देना है, आयात रब्बानी की तिलावत करना है, वो हिदायत रब्बानी के पैगाम को पहुँचाना है, उन सारे मकासद में से एक मकसद वहीद ये भी है। वह यूज़ तज़किया और तस्फिया का जो सिलसिला है अपनी निगाह फैज से लोगों के दिलों को साफ करना। और मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि फ़कत बात कर लेना, बात कर लेना, खिताब कर लेना, स्पीच दे देना, टॉक शो कर लेना, किस चीज़ के पे डिबेट और डिस्कस उसको कर लेना, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात ये है कि आप अपना जो बातनी असर है वो लोगों पे छोड़ दें, उससे शख्सियात बनती हैं। हजूर सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यही अखलाक को अतवार की बुलंदी और रिफ़त है कि नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सख्त दिल लोगों में बैठे अपने उस बातनी तसर्रुफ़ और बातनी तवज्जुहात के ज़रिए से लोगों के दिलों की कायनात को बदल के रख दिया और दिलों की कायनात को आबाद किया, और वो युज़ की जिनके तहत वो फैज़ रब्बानी है, वो तजल्लियात हैं, वो अनवारात हैं, वो फ़ुज़ात हैं, वो बरकतें हैं, और वो रूहानी फैज़ हैं, और वो स्पिरिचुअल स्पार्क्स हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह फैज़ से लोगों के कल्ब रूह में मुंतकिल हुई और उनके दिल रोशन हुए। इसको कुरान पाक में बाकी जगहों पर भी जगह जगह लिया गया है तज़किया कल। तो युज़ की हिम से हमसे यही उलमा ने भी चीज़ मुराद ली है कि लोगों का तज़किया जो तज़किया नफ्स है, दिलों की तहारत, नफ्स की तहारत पाकीज़गी, इन नफ्स की सरकशी ख़त्म हो, उसकी अम्बारगी ख़त्म हो, बगावत ख़त्म हो, और वो उस लवामा के स्टेज से होते हुए आगे बढ़ते बढ़ते मुतमईना और राबिया मर्दिया के स्टेज तक आ जाए, नफ्स मुतमईना हो जाए, तो बिल्कुल उसको दीन की तालीमात को बिल्कुल मान कर फिर आपको उस अमल और किरदार के रास्ते पर चलने के लिए आपकी फिर मामलत करने लगे। वो तज़किया तज़किया नफ्स, फिर तस्फिया कल्ब है दिल को साफ करना, दिल की सफाई, दिल की सुथराई, दिल को प्योरीफाई करना, कल्ब को रोशन करना, इसी तरह तजलिया रूह, रूह की पाकीज़गी वालिदगी, ये सारी चीज़ें युज़ की हिम जो कुरान इरशाद है इसके तहत इसको आगे लेके उलमा ने बयान किया और इसको आगे लेके तज़किया बातन का वो निज़ाम, और इसी की बुनियाद है तसव्वुफ़, इसी की बुनियाद और असास है जो तरीक़त के सलासिल हैं। और कुरान पाक में बाकी मकामात पर जगह जगह जो इंसान के नफ्स की बात की गई और उसके कल्ब की बात की गई, क़द अफ़लह मन ज़क्का व क़द ख़ाब मन दस्सा, तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने इसको पाक कर लिया, इसने नफ्स की तहकीक और उसकी पाकीज़गी और उसकी इस्लाह की बात बुला देते उलमा, और जो 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 इसको इसकी सरकशी और बगावत को ख़त्म नहीं कर सका वो बर्बाद हो सही। और इसी तरह अल्लाह ज़िक्रिल्लाह मुतमईन क़ुलूब आगा हो जाओ कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में, दिलों का चैन, दिलों का सुकून, इनर पीस, इनर सेटिस्फेक्शन, वो पाकीज़गी और तहारत अल्लाह की याद में है, और वो याद इलाही का पूरा सिलसिला और निज़ाम तसव्वुफ़ में आके मिलता है। और कुरान पाक में इरशाद हुआ वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तलैहि तब्तीला, अपने अल्लाह अपने रब का जिक्र कीजिए, इस निज़ात का जिक्र कीजिए, और वह जिक्र इस कसरत के साथ हो, इस यकसुई और वलवले और यगानगत के साथ हो, इस मोहब्बत और चाहत और लुत्फ के साथ हो, और ऐसी इश्को मस्ती में आको अल्लाह की याद हो कि सबसे ताल्लुक टूट जाए, अल्लाह से ताल्लुक टूट जाए। और इस तबत्तुल का, इस ताल्लुक के जुड़ने का ये मकसद कतन नहीं है कि इंसान जंगल और वीराने का रुख कर ले और उसका सोशल लाइफ से कोई ताल्लुक ना रहे, नहीं, ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। हुज़ूर सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया तहारत का जो निज़ाम ऐसा दिया है अमल और ताक का कि आप एक खूबसूरत माशरे में सोशल लाइफ गुजारते हो, लोगों की खिदमत करते हो, खिदमत खल्क करते हो, वेलफेयर वर्क करते हो, लोगों में रहते हो, लोगों में उठते हो और बैठते हो, और एक माशरती ज़िंदगी गुजारते हो, लेकिन अमल और ताक का तहकर बन जाते हो। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। सरवर कौन मकाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अंदाज में अमल और किरदार करके हमें बताया, और यही तसव्वुफ़ की तालीमात हैं। और ग़ालिबन हज़रत शेख साहब ने कहा
اور بس خوبصورت بات کی کہ یہ تصوف بجز طریقت بجز خدمت خلق نیست بتسبیح و سجادہ و دلق نیست، کہ طریقت خدمت خلق کے علاوہ طریقت کا کوئی اور معنی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت اور بلائی کے لیے صوفیاء نے اپنی زندگیاں بسر کی، اور وہ بلائی گو کہ انہوں نے ظاہری معاملات میں ویلفیئر ورک کیا، کسی غریب کو کھانا کھلایا، اور وہ تو ویلفیئر کا کام آج بھی آپ دیکھیں صوفیاء کے اسباب پر جاری ہے، ساری دنیا داروں کے لنگر بند ہو سکتے ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لنگر چلتا رہتا ہے، حضور غوث صاحب علیہ کا لنگر چلتا رہتا ہے، خواجہ غریب نواز کا لنگر چل رہا ہے، صوفیاء کلام کے لنگر کرام کے لنگر صوفیاء کے چل رہے ہیں، اور وہ اس سے خلق خدا فیضیاب ہو رہی ہے، ظاہری خدمت خلق جو ویلفیئر ورک ہے اس کو پیش نظر رکھا، اور اللہ کی مخلوق کے سب سے بڑی بلائی وہ یہ ہے کہ ان کو گمراہی سے نکالنا، بے راہ روی سے بچانا، معصیت سے بچانا، گمراہی کے راستوں سے ہٹانا، اس کام کے لیے صوفیاء کرام نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا، وہ بالکل ڈیووٹڈ ہو گئے اس مشن کے ساتھ، اور یہ مشن سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ مشن ہے، قرآن پاک میں جا بیٹا جس کو بیان کیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات میں بھی اس تزکیہ اور تصفیہ اور طہارت کی جا بجا بات کی، اور اس کی تعلیمات کو عام کیا۔ سے میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ خود آپ ساری باتیں سنوں، ناظرین سنیں اور جو نا اس سے استفادہ کریں۔ اب بتائیے گا کہ کیا یہ پاک و ہند میں جو صوفیزم ہے، صوفیہ ہے، تصوف ہے، یا پہلے آقا علیہ السلام کے بعد ان کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا؟ کیسے نام لوگ کہتے ہیں کہ یہ پاک و ہند کی پیدا کروار ہے، برصغیر کے لوگوں نے یہ کام شروع کر دی ہے، تاریخ اس کی کوئی نہیں ہے۔ میں اس لیے گزارش کروں کہ جس طرح ہم اس کے انڈیپتھ میں بھی گئے ہیں، بیک گراؤنڈ میں گئے ہیں، اور ہمارا یہ اسٹینڈ ہے بالکل اس پہ، جو تمہارے تصوف کے اسکالرز اس کو اگر ان کو پڑھا جائے، ایسی بکس ہیں اور ریفرنس بکس ہیں، اس میں حضرت غوث قلین شہنشاہ بغداد آپ کی بکس کو پڑھا جائے، جس میں سیکرٹ اسرار ہیں، سیکرٹس آف سیکرٹس، ٹھیک ہے، ان طالبین ہیں، اور باقی آپ کی جو کتاب الفتح ربانی جو آپ کی اسپیچز کی کلیکشن ہے، اسی طرح بالکل ریفرنس بک جس کو چیلنج کرنا مشکل ہے، حضرت امام ربانی الشیخ مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات امام ربانی ہیں، جو 3 volumes میں اویلیبل ہے، اصل بک پرشین میں ہے، اس کا ٹرانسلیشن انگریزی میں، اردو میں ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے حضور سیدنا داتا بن بخش علی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تشہر محجوب، اور اس طرح شیخ شاہ الدین سرودی رحمۃ اللہ علیہ، بے شمار صوفیاء، اکابر صوفیاء کی وہ لٹریچر ایسا ہمارے پاس موجود ہے جو تصوف کو ثابت کرنے کے لیے کافی وافی ہے، اور اس پر خیر ابھی تو اتنا ریسرچ ورک ہو چکا ہے، اس پر اتنی تحقیق و تدقیق ہو چکی ہے کہ ابھی تو اگر کوئی کہیں کسی حاشیہ خیال پہ کوئی اعتراض کا کوئی بادل منڈلاتا بھی ہے، تو الحمدللہ اسکالرز نے اور صوفیہ اکرام کے ماننے والوں نے اور فیض یافتہ جو علماء ہیں انہوں نے یہ کام کر دکھایا، اور اس وقت بہت لٹریچر اس پہ اویلیبل ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جسٹ برصغیر میں سب کنٹیننٹ میں صوفیہ کے سلاسل ہیں، تو میں اکثر اس تصور کو بالکل مسترد کروں گا، یہ تو ہوتا ہے کہ بالکل ایک کنفیوژن پھیلانا، لوگوں کو کنفیوز کرنے والی بات ہوتی ہے، اور یہ بالکل بیس لیس آبجیکشن ہے۔ جب ہم تصوف کی بیس اور بنیاد اس کو قرآن پاک سے لے رہے ہیں، تصوف کیا ہے؟ قرآنی تعلیمات اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان کو اخلاص اور سنسیئرٹی کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہونے کا نام تصوف ہے، اور اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس تزکیہ اور طہارت کے نظام کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اس کی اساس فراہم کرنے والے ہیں، اس کو انیشیٹ کرنے والے ہیں، اس کو شروع کرنے والے ہیں، اور یہ عمل سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق خدا کے اصلاح احوال کا شروع کیا، اور سرکار کی حیات مبارکہ اس کام کے لیے وقف تھی، لہٰذا اس طریقے اور مشن کو اپنانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کو ماننا، اللہ کے حکم کو ماننا، اور سنت رسول کا احیاء، سنت رسول کا زندہ کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں بالکل اسلام کے اوائل دور میں، آپ دیکھ لیں اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں تشریف فرما ہونا، اس سے کیا چیز شروع ہوتی ہے؟ وہ یکسوئی، وہ رغبت، وہ ایک اللہ کی بارگاہ میں، وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا
پہلے دن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ذکر بلند کر دیا ہے, ورفعنا لك ذکرہ, پیارے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, صبح صبح عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک, کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ذکر کو کیسے بلند کر دیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا, سرکار نے, واللہ اعلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے, جس نے ذکر کو بلند کیا گویا وہی اس کو بیان کر دے. تو جبریل امین نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند یوں کیا گیا, اذا ذکر ذکر دماغ, محبوب جب جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر تمام, اس کے ساتھ ہی آپ کا ذکر ہوگا. تو وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر روزے اول سے, دیکھیں نا قرآن پاک میں یہ بات بیان ہوئی, اور قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, قدیم ہے, غیر حادث ہے, جس طرح وہ ذات ازلی و ابدی ہے, سبحانہ قدوس ہے, اسی طرح اس کا کلام بھی ازلی ابدی ہے. یہاں روحانیت کی اس روشنی میں آ کر اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کب سے بلند ہے, جب سے اللہ کا یہ کلام ہے, اور وہ کب سے ہے میرے اور آپ کے حاشیہ خیال میں یہ بات آنے والی نہیں. اس وقت سے اتنے کمالات عطا کرنے کے باوجود سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم سوئے غارہ کے راجہ تھے, اور وہاں خلوتیں, وہاں بلو لگانا, وہاں یکسوئی پیدا کرنا, اور وہاں وحی الہی کا آنا, اور وہاں اقرا سے علم اور نور اور معرفت کی روشنیوں کو عام کرنے کا وہ ابدی اور سرمدی اور آفاقی اور کائناتی پیغام سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آپ تشریف فرما ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سنت رسول اور سرکار کے نقش پا اس نقوش کو تلاش کرنے والوں کے لیے بات کافی وافی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ تزکیہ اور طہارت کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے. تو یہ سرکار کے عمل سے ثابت ہے. صحیح, مکی حیات طیبہ دیکھ لیجیے, مدنی حیات طیبہ دیکھ لیجیے, اور جو بات آپ نے کی بالکل آپ دیکھ لیں مدنی طیبہ میں, اور آج سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مزار مقدس اور سب آپ جو تشریف فرما جائیں اس طرح اتارا ہے آپ کے بالکل آمر میں, آج بھی اصحاب صفہ کا پترا جو ہے جو بالکل آج وہاں موجود ہے, جو مدینہ الرسول حاضر ہوتے ہیں سعادت مند, انہوں نے وہ وہاں زیارت کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ یہ زیارت ہر ایک کو نصیب کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اصحاب صفہ کا وہ چبوترا آج بھی اس بات کی گواہی اور شہادت دے رہا ہے, اور اس کو بالکل کتابوں کی اور ورق گردانی کی جائے تو وہ ساری بات اس کو اس بات تصور سپورٹ کرتی ہے کہ وہ صوفیہ تھے, سب وہاں بیٹھنے والے وہ صوفیہ تھے, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاخ تھے جنہوں نے دنیا سے اپنے دلوں کو بالکل موڑ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ہو گئے, سرور کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. زہد, ورع, تقوی, تزکیہ, طہارت, پاکیزگی, سیلف پیوریفیکیشن, تزکیہ اور طہارت کے لیے اپنی زندگیاں انہوں نے وقف کر دی. یہ سب آخری حصے کی طرف ہے, ہم بتائیے گا کہ یہ تو ہے کہ صوفیاء کی صف میں کچھ ایسے آگے ہیں کہ جو تصوف کی بدنامی کا یا صوفیوں کی جو بدنامی کا باعث بن رہے ہیں, جبال بھی ہے, لبادہ بھی اوڑا ہوا ہے اور شکل بھی ایسی بنائی ہے, مگر وہ اعمال جو آپ نے بڑی اعلیٰ گفتگو کی کہ خلوت بھی ہے, زہد و ورع کا نور ہے, اور لیکن وہ ان چیزوں سے دور ہیں, بس وہ دنیا داری کر رہے ہیں یہ لبادہ اوڑھ کر, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے کیا خرابی پیدا کی ان کو دیکھ کر لوگ تصوف کے منکر بنے؟ یہ بہت نوٹیبل بات جو آپ نے کی, بہت ہی میں سمجھتا فکر انگیز بات ہے. آج اگر کوئی تصوف کا انکار کرتا ہے, منکرین تصوف کی آپ نے بات کی, کوئی انکار کرتا ہے یا ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے کہ لوگوں کو انکار کرنے کی گنجائش پیدا ہو, وہاں اگر دیگر خرابیاں ہیں, وہاں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ جو صوفیہ کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور ان کا صوفیہ کے تصوف تزکیہ اور طہارت کے اس نظام سے, پریکٹیکل تصوف سے جو تصوف کی روح ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے, اس کو کنڈیم کیا جائے, آپ بھی کنڈیم کر رہے ہیں, اس کو فقط کنڈیم کرنے تک نہیں ہونا چاہیے, اس پر پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا بالکل صدرہ ہونا چاہیے, اور یہ بالکل ذمہ داریاں ہیں, ہمارے معاشرے کی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ
कि ऐसे लोग जो बिल्कुल लोगों को चीट करते हैं उन पर उनकी नज़र होनी चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे मीडिया की भी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे स्कॉलर उलमा की भी है और उनकी भी है जो सूफिया जो बिल्कुल तसव्वुफ़ के सलासल और नूर को आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं, वो भी लोगों को तो जो तसव्वुफ़ की सही तस्वीर है जो उसका रुख है उसको बताएं। इसको मैं समझता हूँ कि जिस कदर इसकी ये इंतहाई यकीनन मुझे कहने दीजिए कि काबिले नफ़रत बात, और हम भी देखते हैं तो रंग बिरंगे लोग देखते हैं जिनका कुछ भी नहीं, जिनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं, और इस तरह के झूठे उस लिबादे में आ गए हैं कि सच्चों को परेशानी हो रही है, उनको देखकर लोग परेशान हुए, लोग भी क्या करें। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों ने बदनाम किया और इन लोगों ने तसव्वुफ़ और रूहानियत और इस्लाह अहवाल के इस निज़ाम का चेहरा मसख करने की कोशिश की। लेकिन मैं अपनी जगह बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि नाज़रीन के लिए बताएं कि जो उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या देखना चाहिए। एक अच्छे मुर्शिद में पीर, अगर वो दस्ते बैत किसी के होते हैं या किसी के पास जाते हैं रहनुमाई इस्लाह के लिए, तो वो किन चीज़ों को देखें ताकि उनको परेशानी ना बाद में हो सके। देखें, ये बहुत सिंपल है जी। मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा, आपने कहा ना कि लोगों ने जुब्बा दस्तार और शक्ल बना ली है, तो शक्ल से काम नहीं चलता, अकल यहाँ दरकार है। तो इसी तरह नाज़रीन के लिए भी गुजारिश है कि हम सब अकल सलीम अल्लाह ने दी है, कम से कम सेंस इस्तेमाल करें। अकल से पहले फतवा जो है ना वो बयान करें। हमने देखें, हमने अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाना है किसी अच्छे स्कूल में, हमें पता है कहाँ से एडमिशन दिलवाना है, कौन सा अच्छा स्कूल है, कहाँ से बच्चा हमारा अच्छा बिल्टअप होगा, सारा पता है। लेकिन अगर किसी पीर के हाथ में हाथ देना है, किसके हाथ में देना है, अगर वहाँ मार खाते हैं तो कुछ फॉल्ट हमारा भी है। ठीक है, बाकी बिल्कुल मैं इसको समअप करूँगा। कल सनाउल्ला पानीपति रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफ़सीर मज़हब, आपकी बुक है शाहबीन, और आपने बाकी लोगों पर भी जो शह कामल है उसकी बिल्कुल समअप करके ब्रीफली तीन अलामत बयान की हैं। मेरा ख्याल है ये अगर हम ले लें तो हम मार नहीं खाएंगे। एक, वो कहते हैं कि शेख वो है जो शरीयत और सुन्नत पे पाबंद, बिल्कुल ठीक, पहली बात, अगर सुन्नत रसूल पे पाबंद नहीं है और उसका जाहिर कम अज़ कम उसमें अमल के सांचे में डाला हो, बातन अल्लाह जानता है। दूसरा, वो फरमाते हैं कि उसके चेहरे को जब देखा जाए तो बस अल्लाह याद आ जाए। ये सरकार का मुबारक इरशाद भी है, ख्यारकुमुल्लज़ीन ज़ारू ज़िक्रल्लाह, अल्लाह के बंदों को जब उनकी अलामत ये है, जब उन्हें देखते हो अल्लाह याद आ जाता है, ये नेक लोगों की अलामत ज़ालिम की। और तीसरी बात यह है कि उसकी मजलिस में तासीर है, तासीर मजलिस उसकी ज़ुबान में, उसके कलाम में, उसके निगाह में तासीर है। और तासीर की बहुत वसी माना है, लेकिन इसकी फौरी अलामत समझने वाली ये है कि जब हम उस बुज़ुर्ग के पास बैठें, बुराई से नफरत पैदा हो जाए और नेकी से मोहब्बत पैदा हो जाए। सही, बंदा बुराई से दूर होने का जज्बा अपने अंदर ले आए उठ के, और नेकी के करीब होने का जज्बा उसके अंदर पैदा हो जाए। अगर ये जज्बात उसके अंदर पैदा होते हैं तो वो लोग, बाकी उनका सिलसिला है तरीकत होना चाहिए, उनका सिलसिला सरकार से मुनकता, कोई उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनका सिलसिला बैत का जुड़ा ना हो। तो ये तमाम चीज़ें पेश नज़र रख के ऐसे लोग मौजूद हैं सालहीन और क़यामत तक रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, उनसे अपना ताल्लुक। इस समय आपने बड़ी अच्छी और आला बातें की, आपने, मेरा दिल ही करता है कि इसको ख़त्म करो इंशाल्लाह। इस पर हम सरासर गुफ्तगू करेंगे, कभी चाह तो लंबी की नशिस्त करेंगे इस पर। मैं चाहूँगा कि आखिरी दो मिनट में आप ये बयान करें कि जो अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, उनकी औलाद जो है वो उनके रस्ते पर नहीं है, उनको फॉलो नहीं करती और वो नेकी की तरफ नहीं है, बस वो उनके नाम पे सब कुछ हो रहा है, जो मैं कहना चाहता हूँ आप समझ गए, तो क्या उनको भी वैसे मानना चाहिए जैसे हम जो बड़े बुजुर्ग हैं नाम नहीं लेना चाहता उनको जैसे हम मानते हैं, तो उनको ज़रा बताइएगा ये गति नशीन जो गतियों का चक्कर है इस बारे में क्या कहते हैं। एक तो मैं बिल्कुल दुआ करूँगा कि जो बुजुर्गों की औलाद है अल्लाह ताला हम सबको उसी उनके रास्ते पर चलने की तौफीक दे। मेरी ये दिली दुआ है इस ट्रांसमिशन के जरिए कि अल्लाह ताला खानकाहों को फिर से आबाद कर। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि शराब को हम फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दश में ला सा किया। और अर्ज सरहंद शेख सरहंदी के मज़ार पे सरहंदशी में हाजिर हुआ, अर्ज किया कि 300 साल से हैं हिंद के मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ आम हो सके। एक तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला तौफीक दे औलादों को, साहबजादों को। दूसरा ये अलमिया है, इकबाल ने कहा था कि जागों के तसरुफ में अकाबों के निशान, मज़ार में शाहीन वलायत का शाहीन आराम फरमा है, और जो गद्दी पे हैं वो क्या है नहीं कहना चाहिए, इकबाल फकर इस्लाम में कहते हैं वो कब्र बैठे हैं। तो ये एक अलमिया है। मैं समझता हूँ कि साहबजादों को अपनी जिम्मेदारियाँ निभानी चाहिए, अदब और एहतराम यकीन उनका अपनी जगह, लेकिन फॉलो उन्हीं को कर सकते हैं जो सूफियाए कामिलीन या जो अबाउजदाद जिनके उनके अमल के सांचे में जो लोग डले हुए हैं, जो फैज़ और बरकत के हामिलीन हैं, उन्हीं को फॉलो किया जा सकता है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें कम अज़ कम अपना ताल्लुक बनाने के लिए, अपना ताल्लुक कायम करने के लिए इस बात का ज़रूर ख्याल करना होगा कि जो भी बुज़ुर्ग हैं
वो रस्म और रवाज और ट्रेडिशनल इज़्म पे नहीं चल रहे, रवाजी तौर पे तसव्वुफ़ को नहीं ले रहे, वो एक प्रैक्टिकली एक जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है उस थॉट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो उनसे ताल्लुक निभाना चाहिए, बनाना चाहिए, मोहब्बत प्यार अदब और अकीदत और उल्फत का ताल्लुक कायम करके हमें इस्लाह अहवाल और उन बरकतों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद इस मोहब्बत प्यार के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आधा घंटा था ना।